ரதாப் பிரைஸ் மானிட்டரிங் அண்ட் ரிசர்ச் யூனிட் இருக்காங்க. நிஜம் உள்ள தசா நசிய ஜரா சொல்ல கசு அங்கி கேத்தனா இ பிரைஸ் வயலேஷன் சக்கான் போ அதி ஜூ மணியாலு. தோ இஸ்மே ஸ்டார்டிங் சே மே ஆப் லோக் பதாவு நசிய நெக்ஸ்ட். हाँ, पहले 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 स्टार्टिंग से मैं बताऊंगा. पहले पहले क्या होता था 1955 से पहले ऐसा फार्मासिस्ट कैसे काम करते थे कि जो जैसे कि हमारे एक एक कंपाउंडर होता था, एक डिस्पेंसिंग होता था. अब डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते, तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं कि वो जो प्रिस्क्रिप्शन पे जो ड्रग लिखा है उसको मिक्सिंग करके दवाई देते थे. उसके बाद रिफॉर्म आया कि फॉर्मुलेशन फॉर्म में बनाने लगा, जैसे कि टैबलेट बनाने लगा, सिरप बनाने लगा, तो उस फॉर्म में बेचने लगा. तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया कि डिस्प्ले ऑफ प्राइस फिक्स, जो 1962 में ये ऑर्डर निकला है कि डिस्प्ले ऑफ प्राइस फिक्स. अब इसमें क्या करते थे कि जितना भी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो अपने हिसाब से ही रेट बढ़ा देता था. जैसे कि वो लोग क्या करते थे कि जो एक पेटेंट होता था तो उसका अगर 10 रुपया होगा तो वो 300 रुपया के पेटेंट के नाम पे वो 300 रुपया पे वो लूट लेते थे. कोई अब इस वजह से गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा कि हम इस प्राइस को रेगुलेट करेंगे. तो हमारा आया कि 1970 में ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पहली बार हमारे था, जैसे कि एलोपैथी मन जरा पकाओ डॉक्टर प्रिस्क्राइब जूस ते उनके तेना अमची कहाँ चला था जवेल का, जैसे कि डॉक्टर डिस ताना शेष तेना नता ते आमची उन्हें तामे दले ओना चोला मान उनता चले गोमा गोमा तेज तीन चीज उनके जना सभी चेंजेस उन चले सोसाइटी ना चेंजेस उन से नी उन सभी साइंटिस्ट उन्हें सभी मां रिस्टार्ट चूस पा पैकेजिंग फॉर्म में ना तंग चीज शुरू चूस चले. जैसे कि नता टैबलेट फॉर्म में ना तंग चीज चूस के दाम दिला नता अवेलेबल नो सिरप फॉर्म में ना तंग चीज चूस के ते उनला चीज उत्तर जना दाखो ने आका ये जो लेबल भी का एमआरपी प्रिंट जो चोपा त्यो माने सपिंग मांग से मां आखिर चले द सामसिक सामसिक रिंजिक जस्टिफिकेबल जी योंग वसन त्यो योंग मा वसा थिंग मा माने को ने थक परन बच चले द. थैंक यू फॉर कमिंग हियर. नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो अथॉरिटी जो है ये इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है. मेन हेड ऑफिस जो है इसका दिल्ली में है. ये अथॉरिटी क्या काम करती है, मेन जो है पूरे इंडिया में जितने भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर होते हैं, सेल आउट होता है, उसके मेडिसिन के प्राइसेस को ये मॉनिटर करती है. अब ये अथॉरिटी जो है वो मेडिसिन के प्राइसेस को फिक्स करती है, रेगुलेट करती है, और उसके बाद मॉनिटर करती है कि ये जो प्राइसेस फिक्स किया गया है वो अच्छे से मॉनिटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ये जो अथॉरिटी जो है जो अभी दिल्ली में एस्टेब्लिश है, ये अथॉरिटी मेडिसिन के प्राइसेस को कैसे फिक्स करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया है डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013. इस ऑर्डर के अंतर्गत ये जो अथॉरिटी है मेडिसिन के प्राइस को फिक्स करती है. अब एमपीपीए जो है इसका कोई सब ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में नहीं होने के कारण इन्होंने क्या किया है, एक पीएमआरयू सेटअप किया है. पीएमआरयू हर स्टेट में सेटअप किया है और हमारे स्टेट में भी एक पीएमआरयू है जिसका नाम है लद्दाख प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट. ये यूनिट क्यों एस्टेब्लिश किया गया है, ये जो यूनिट है ये मेनली लिंक करता है एमपीपीए और ड्रग डिपार्टमेंट के बीच में लिंक है, ताकि जो भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, उसके प्राइसेस को जो नोटिफाइड प्राइस फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, उस प्राइस पे सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको मॉनिटर करने के लिए. हमारा ये जो लद्दाख प्राइस मॉनिटर रिसोर्स यूनिट जो है ये यहाँ ले में फरवरी 9, 2022 में एस्टेब्लिश हुआ था. सबसे पहला जो पीएमआरयू सेटअप हुआ है एमपीपीए ने, जो पीएमआरयू कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं और वायलेशन से हम लोग कैसे बच सकते हैं. और मेन थर्ड हमारा मेन छात्र सम शिगमान जिक्सो मादले ते मन वो चुमचे सिपिया रेट चिक फिक्शन सोने खुने रेट वो खुने फिक्शन हो ले घुमाता मगर वो ते रेट वो खुने कसे फिक्शन हो ले. ई ऑफिस पे एनपीपीए का दफ्तर दिल्ली सेटअप हो ले. ई ऑफिस पे माने रिन को मताएं कसे सेटअप चलो ना
गवर्नमेंट ने ऑर्डर जो किया या ले ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 जिना ऑर्डर जो किया ले ये ऑर्डर नवजीन एनपीपीए दसमय ऑफिस दिल्ली सेटअप वाले ओते वे मनी रिन बफुने फिक्स चानोग ले रिवाइज चानोग ले रेगुलेट चानो यंग ओते ना चितु वायलेशन छरवा छमिरुक जते चेक चानोग ले तो ये एनपीपीए अथॉरिटी वो सो आले दिल्ली यु क्या ले दिल्ली यु पसंग में कोने यंग बाकी यंग ऑफिस मित पसंग हर स्टेट ना मन गो कोने का रिन का कोने चोस्ते यो ओ दे रिन का चोंग दो चोंग मिलु ते मन बिना वायलेश है तो वो कैसे काम करता है वो बाय एजुकेटिंग द फार्मासिस्ट हला तंगते रोल वो जैसे आप एक फार्मासिस्ट है आप एक एजुकेटेड प्रोफेशनल्स है जो एक ड्रग अब्यूज को कॉम्बैट करने में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं तेनेते वे ना निजे रोल बोमा छिन में गिनो खला ता दक्षा मते एक ऐसा दौर आ गया है जहाँ पे एक अर्जेंट नीड है फार्मासिस्ट को एजुकेट करना ताकि क्योंकि फार्मासिस्ट जो ऐसा आदमी है जैसे ना मैं हूँ ड्रग डिपार्टमेंट में ये मन लगता नो सैंपल लेना नो आई के नो आई डोंट डील विद द कस्टमर्स मनो पब्लिक यहाँ पर डीलिंग वो निजा डायरेक्ट इनो मनो इंचेस पे जस्ते तेने डॉक्टर्स इनो डॉक्टर्स हम बेशक वो अजो पेशेंट यहाँ पर खून दुगा नो लेकिन जब दवाई की बात आती है तो उस टाइम पे एक जो फार्मासिस्ट होता है ही और शी इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट या कोई भी कस्टमर आता होगा आपकी दुकान पे तो एक फार्मासिस्ट का एक बहुत बड़ा रोल होता है कैसे आप ड्रग अब्यूज़ को आप आइडेंटिफाई कर सके और उसको एक सही आप उसको सलाह दे के एक सही जगह पे पहुंचाना आप लोगों का एक बड़ा रोल है हला तेने इंचेस पे जस्ते एक फर्स्ट स्टेप अगर आप कहें तो एक फार्मासिस्ट का आप उसमें क्या कर सकते हैं एक तो आप प्रिवेंशन और अवेयरनेस कर सकते हैं मना आप अवेयर कर सकते हैं एक पेशेंट को अगर प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है वो डायग्नोज करता है और प्रिस्क्राइब करता है लेकिन उसके बाद काम शुरू होता है आप लोगों का निजे लस पोते का शुरू छचे पे जस्ते आप लोगों का काम है एक पेशेंट के साथ उसको आइडेंटिफाई करना कि वो पेशेंट अगर कोई पेशेंट आता है या कोई भी आपके पास कोई ऐसा आदमी आता है कि आप इजुक शिवान पर कि जैसे आप आपके पास कोई पेशेंट आदि शिवान कौ शिया प्रिस्क्रिप्शन इस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न क्या है तेन ते वे ना निजा गुलना ते वे ना क्या चिक थोड़ना या उसमें कोई डिफरेंस आपको जैसे नजर आता है निजे आइडेंटिफाई जो चीज़ कि ये प्रिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम है उनसे मना कि अगर कोई ये अर्ली जैसे उनका नाम फरजाद हुसैन का उनका नाम तक जो हुसैन तेन ते वो ना आता है तेने तुक्सा मको ईद लखोर ते तेने ते उन्हें कहना था लाजात ना तेने ना जुमो यंचे से तेने ना स्काप सिंह माने बैठ तेनो तेने ना तेने ना नाक का चिट्टू शिंग नो काव कितना ना इस तुम चुरगुई ना कुआ ना तम जंगल में गंपे ना कुआ ना ता चुंग से तेने ना तो एक नदियां में जुस्ते होने चुके तेने ये चुक जुमो ने कहना था शिक्षा बुन का जुगो चोगो सनो तेने ई एस उनके तंदे में ना माँ पंतो तो तेने न्यांपो न्यांपो तेने ना ता मार्क्यो कंजी गया 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 मार्क्यो